वेलकम टू स्टडी क्लासेस। बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी क्लासेस में। इस एकेडमिक चैनल पर हम लोग इस समय चर्चा कर रहे हैं ट्वेल्थ मैथमेटिक्स में एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स, अवकलज के अनुप्रयोग की। और अवकलज के अनुप्रयोग में जो आज का हमारा टॉपिक होगा, सन्निकट मान, अप्रॉक्सीमेशन बाई डिफरेंशियल्स, अवकलन का उपयोग करके सन्निकट मान कैसे ज्ञात करना है, इसकी हम चर्चा आज करेंगे। तो सन्निकट मान का मतलब होता है कि अप्रॉक्सीमेट वैल्यू, निकटतम मान। निकटतम मान ज्ञात करने के लिए हम अवकलज का प्रयोग कैसे करेंगे, इसकी चर्चा हम आज करेंगे। वीडियो पर आप पूरा बने रहिए, पूरा वीडियो आप अंत तक देखें। आपको बहुत अच्छे कंटेंट हम यहाँ उपलब्ध कराने का प्रयास कर रहे हैं। मैथमेटिक्स की बात हो रही है, आपको बहुत ध्यान से करना है। मानवीय त्रुटियाँ हो जाती हैं कभी कभी। अभी लेक्चर 2 जो हुआ डिफरेंशिएशन का, वहाँ कहीं पर 1/2 डिफरेंशिएशन में छूट गया था, तो कुछ स्टूडेंट्स ने कमेंट्स करके बताया है। तो आप इन बातों का ध्यान रखेंगे, आप ढंग से करेंगे, जैसे उसने किया ऐसे आप भी करेंगे, तो आपको पता चलेगा। हो सकता है कहीं मानवीय त्रुटियाँ हो गई हों, किसी से हो सकती हैं, मुझसे भी हो सकती हैं, तो हम प्रयास करेंगे आगे इस तरीके की त्रुटियाँ ना हों। लेकिन आप वीडियो को ढंग से देखें और अपना सिलेबस अच्छे से तैयार करें, इसके लिए आपको पूरा वीडियो देखने की आवश्यकता होगी, स्टेप बाय स्टेप देखना होगा। तो हम लोग शुरू करते हैं सन्निकट मान, अवकलन के द्वारा सन्निकट मान कैसे प्राप्त करें। आपको एक फार्मूला पढ़ाया गया, एफ डैश एक्स इक्वल टू एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स और अपान एच। ये एक फार्मूला आपको पढ़ाया गया, जबकि एच क्या है, एच बहुत छोटा है, कितना छोटा है, टेंस टू जीरो। अगर हम इसको एफ डैश एक्स, ये डिफरेंशिएशन का फार्मूला है, एफ डैश एक्स यानी डी वाई बाई डी एक्स निकालने के लिए एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स अपान एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स अपान एच होता है। और इसका प्रयोग करके हम सन्निकट मान ज्ञात करेंगे। कैसे ज्ञात करेंगे, इसकी चर्चा हमको करनी है, और मैं प्रयास करूंगा कि बहुत आसान तरीके से आपको सन्निकट मान निकालने की विधि बताऊं। और अगर आप इसका उपयोग करेंगे तो आसानी से क्वेश्चंस को हल किया जा सकता है। एक प्रश्न देखें, अंडर रूट 36.6 का सन्निकट मान ज्ञात कीजिए। सन्निकट मान अवकलज के द्वारा ज्ञात कीजिए। तो हमको मान निकालना है 36.6 का, इसका मान हमको ज्ञात करना है सन्निकट मान। क्या करेंगे हम, एफ एक्स बराबर हम अंडर रूट एक्स पढ़ लेते हैं। क्यों अंडर रूट एक्स पढ़ लिया, बस यही समझने की जरूरत है फलन हमारा क्या होगा। फलन हमारा होगा जैसे यहाँ पे रूट में दिया हुआ है, यानी हम रूट एक्स को जब फलन मानेंगे, फंक्शन हमारा रूट एक्स होगा, तभी हम इन मानों को प्राप्त कर पाएंगे और हम जो सन्निकट मान है उसको इसकी सहायता से निकाल पाएंगे। यहां से अगर हमने थोड़ा सा परिवर्तन इसको किया होता तो इस फार्मूले को इतना भी लिखा जा सकता है। थोड़ा आप ध्यान से देखेंगे तो क्लियर हो जाएगा। ये h घर जाएगा, h f डैश x हो जाएगा, और ये माइनस एफ एक्स उधर जाएगा तो प्लस एफ एक्स हो जाएगा। अब यही मान हमको ज्ञात करना है, तो इसके लिए हमने क्या किया, एफ एक्स बराबर रूट एक्स मान लिया। एफ डैश एक्स क्या होगा, 1/2 रूट एक्स, ये डिफरेंशियल होता है, अभी हम इसी की चर्चा कर रहे थे। डिफरेंशियल वहीं पर करना था, और इस डिफरेंशिएशन में
ये 1/2 जो है वो शायद हम लिखना भूल गए हैं, हो सकता है जल्दी में कहीं वो मिस हो गया हो, छूट गया है, मैंने देखा उसको, तो इन बातों का भी ध्यान रखिएगा। 1/2 रूट एक्स हो गया एफ डैश एक्स का मान। अब हमको यहाँ पर क्या चाहिए, एच चाहिए, एफ डैश एक्स चाहिए और एफ एक्स चाहिए। एफ एक्स है हमारे पास, एफ डैश एक्स है, एच नहीं है। एच हम कैसे याद करेंगे, जो आपका एफ एक्स प्लस एच है वो क्या होगा, एफ एक्स प्लस एच होगा अंडर रूट एक्स प्लस एच। क्योंकि एफ एक्स बराबर रूट एक्स है तो एफ एक्स प्लस एच होगा अंडर रूट एक्स प्लस एच। और इस प्रकार से हम इसको लिख सकते हैं रूट 36.6। अब इसी को हम लिख सकते हैं 36 प्लस 0.6। और यहां से अगर हम देखें तो x बराबर 36 हो गया और h बराबर 0.6। और अब हम इसको इसी फार्मूले से सॉल्व कर सकते हैं, एफ एक्स प्लस एच इज इक्वल टू एच एफ डैश एक्स प्लस एफ एक्स। और यहां पर आप वैल्यू पुट कर दें, एफ एक्स प्लस एच माने रूट 36.6, एच 0.6 है, एफ डैश एक्स है 1/2 रूट एक्स, यहाँ एच ही लिखा रहने दीजिए 1/2 रूट एक्स, और एफ एक्स की वैल्यू है रूट एक्स। अब आप सब मान यहाँ पुट कर दीजिए, एच हो गया 0.6, 1/2 रूट 36 और ये रूट 36। कैलकुलेशन बहुत इजी है, 0.6 1/2 मल्टीप्लाइड बाई 6 और ये प्लस 6, ये 10 हो जाएगा, 1/20 प्लस 6, और इसको आप डिवाइड करेंगे तो 0.5 आ जाएगा, यानी 6.05 आपका आंसर हो जाता है। तो जो इसका सन्निकट मान होगा वो 6.05 होगा। बहुत आसान तरीके से हमने प्रयास किया है यहाँ बताने का, आप इस फार्मूले को अगर याद रखेंगे तो कोई भी सन्निकट मान इस तरीके से ज्ञात किया जा सकता है। आपको जरूरत केवल तीन चीजों की है, h की, एफ डैश एक्स की और एफ एक्स। एफ एक्स जो आप मानेंगे फंक्शन वो हो जाएगा, एफ डैश एक्स आपका, एफ डैश एक्स यहां से डिफरेंशिएट करके निकाला जा सकता है, और एच जब आप एफ एक्स प्लस एच जिसको मान को ज्ञात करना है सन्निकट मान उसको मानेंगे तो यहां से एक्स और एच आप पढ़ सकते हैं। तो इस प्रकार से हम सन्निकट मान किसी का भी ज्ञात कर सकते हैं। बस ये ध्यान देने की जरूरत है कि हम इस फार्मूले का प्रयोग करें तो बहुत आसानी से सन्निकट मान ज्ञात हो सकता है। जरूरी नहीं है कि हमको जो सन्निकट मान ज्ञात करना हो वो जैसे 36.6 था अंडर रूट में, तो 36 × 6 या 36.6 करके निकालें। कहीं पर हमको घटाने की भी जरूरत हो सकती है, जैसे 25 की घात 1/3 का अवकलज के द्वारा, 25 की घात 1/3 का अवकलज के द्वारा सन्निकट मान जाती है। ये प्रश्न हो सकता है, आपके एनसीईआरटी का ही है। तो यहां पर आप देखें एफ एक्स हम क्या लिखेंगे, एक्स की घात 1/3 क्यों लिखेंगे, क्योंकि 25 की घात 1/3 का सन्निकट मान ज्ञात करना है तो एफ एक्स हम एक्स की घात 1/3 ही लिखेंगे। अब क्या हो जाएगा, एफ डैश एक्स अगर आप निकालते हैं तो आपका डिफरेंशियल क्या होगा इसका, 1/3 एक्स की घात -2/3, 1/3 -1, और 1/3 -1 का मतलब हुआ -2/3, इसका डिफरेंशियल एक्स की घात -2/3 सामने हो जाएगा। 1/3 - 1 हर बराबर करेंगे तो -2/3 आपके पास एफ एक्स हो गया, एफ डैश एक्स हो गया। एच ज्ञात करना है, एच ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, जो एफ एक्स प्लस एच है उसको हम अगर लिखें तो एक्स प्लस एच की घात 1/3 होगी, और यही क्या है 25 की घात 1/3। अब हमको इसका नियरेस्ट ऐसी कोई संख्या ढूंढनी है, ऐसा नंबर फाइंड करना है जिसका क्यूब रूट आसानी से निकाला जा सके, घनमूल हम आसानी से निकाल सके।
और वो इसके करीब का नंबर है 27, यानी 27 माइनस 2 हम लिख सकते हैं, 25 को 27 माइनस 2 लिखा जा सकता है। और अब अगर हम 27 माइनस 2 लिखते हैं तो x इक्वल टू 27 हो जाएगा एंड x इक्वल टू माइनस 2 हो जाएगा। वहां पर प्लस 0.6 था और यहां पर माइनस 2 है, इस बात को आपको ध्यान रखना है कि जरूरी नहीं है कि हम प्लस करके ही लिखें। अगर हम यहां प्लस करते हैं तो प्लस करके क्या लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते। अगर हम ये 3 का क्यूब लिखा हुआ है, 2 का क्यूब करते हैं तो 8 आएगा और 8 के बाद फिर 17 बचेगा, तो फिर वो एक बड़ा नंबर होगा। जबकि h क्या है, h बहुत छोटा है, कितना छोटा है, टेंस टू 0। तो इसलिए यहाँ पर एक स्मॉल नंबर हमको लेना है। और अब आपके पास x हो जाता है 27, h हो जाता है माइनस 2 और हम वैल्यू पुट कर दें एफ एक्स प्लस एच इक्वल टू एच एफ डैस एक्स प्लस एफ एक्स। तो ये हो जाएगा रूट 25 की घात 1/3 बराबर एच, एच की जगह एच रख देंगे, एफ डैश एक्स की जगह 1/3 एक्स की घात माइनस 2/3 और प्लस एक्स की घात 1/3। सब मान पुट करेंगे तो ये माइनस 2 हो गया बटे 3, इसको बटे में लिख सकते हैं, माइनस 2/3 बटे में आ सकता है, तो 27 की घात 2/3 और प्लस 27 की घात 1/3, तो माइनस 2/3, 27 की घात 2/3 का मान 9 होगा। 27 को अगर आप लिखते हैं तो 3 की घात 3 लिख सकते हैं और पूरे की घात 2/3, ये कैंसिल हो जाएगा और 3 स्क्वायर मान 9 हो गया और यहाँ ये 3। तो अब आपके पास क्या आया, 3 माइनस 2/27, 2/27। आप सरल करके इसका मान निकाल सकते हैं, भाग देकर निकाल सकते हैं या सीधे इसको गुणा कर दीजिए, 27 + 81 माइनस 2/27 हो जाएगा, यानी 79/27 और इसको आप डिवाइड कर दीजिए तो आपका 7927 ये 54.5 हो जाएगा, 209 बार जाएगा, 7 बचेगा और 7 बचेगा तो आपके पास 27 × 54 फिर जाएगा 54 × 16 = 70, यानी 16 बचेगा तो फिर 6 बार जाएगा, यानी आपका जो आंसर हो जाएगा 2.926, ये आपका सन्निकट मान हो जाता है। 25 की घात 1/3 का सन्निकट मान आपका 2.926 प्राप्त हो जाता है अवकलज के द्वारा। इन विधियों का प्रयोग करके हम सन्निकट मान आसानी से निकाल सकते हैं। आपकी 6.4 एक्सरसाइज इसी पर आधारित है, सन्निकट मान वहां पर ज्ञात करने हैं, इनका प्रयोग हम करके मान ज्ञात करेंगे। एक प्रश्न ये हो सकता है, जहां पर एफ एक्स का मान दिया हुआ है, अभी तक हम क्या करते थे, फलन को मानते थे, यहाँ फलन मानने की जरूरत नहीं है, एफ एक्स दिया हुआ है और एफ 3.02 का मान फाइंड करना है हमको, तो हम पहले एफ एक्स लिखेंगे, 3x² + 5x3 और एफ डैश एक्स निकालेंगे, 3x² का डिफरेंशियल 2x यानी 6x हो गया और धन 5, तो एफ एक्स हमको ज्ञात हो गया, एफ डैश एक्स ज्ञात हो गया और हमारे पास 3.02 का मान ज्ञात करना है। इसी को हम एफ एक्स प्लस एच पढ़ें तो हम पढ़ सकते हैं एफ 3 + 0.02, यानी हमारे पास x हो गया 3 और h हो गया 0.02। अब हम उसी फार्मूले का प्रयोग करके इसका सन्निकट मान ज्ञात कर सकते हैं, एफ एक्स प्लस एच बराबर एच एफ डैश एक्स प्लस एफ एक्स। तो क्या हो जाएगा, एफ एक्स प्लस एच माने 3.02, एच एफ डैश एक्स माने 6x + 5 और एफ एक्स माने 3x² + 5x + 3। अब हम यहां पर इसको लिखते हैं 3.02
h हो गया 0.02 और 6 x हो गया 3 प्लस 5 प्लस 3 यहां 3 स्क्वायर प्लस 5 इनटू 3 और प्लस 3 तो आपका हो जाएगा ये 0.02 ये 18 प्लस 5 और ये 27 15 3 तो ये हो जाएगा 02 और 23 ये 45 ये हो जाएगा 46 एंड ये 45 तो 45.46 आपकी जो फाइनल वैल्यू आ जाएगी F3.02 का जो सन्निकट मान है वो 45.46 ये आपका फाइनल आंसर हो जाता है। तो इस तरीके के जो प्रश्न होंगे उनको हम इस विधि के द्वारा कर सकते हैं। अब कभी कभी सन्निकट मान में परिवर्तन वाले कुछ सवाल पूछ लिए जाते हैं, उनकी भी चर्चा हम करते हैं। ये प्रश्न थोड़ा सा अलग है। 5 मीटर भुजा वाले घन की भुजा में 2% की वृद्धि के कारण घन के आयतन में सन्निकट परिवर्तन की गणना कीजिए। तो सन्निकट परिवर्तन ज्ञात करना है और यहाँ हम मान लेते हैं कि माना घन की भुजा x मीटर है। तो अगर घन की भुजा x मीटर है तो x बराबर दिया है 5 मीटर और डेल्टा x क्या है, x का 2%। x का 2% है माने 2x/100, ये हो गया डेल्टा x का। अब आयतन क्या होता है, मेंसुरेशन आप पढ़ चुके हैं 10th में और उनकी यहाँ बहुत ज़रूरत होनी है। अगला जो टॉपिक पढ़ना है आपको मैक्सिमा मिनिमा, वहाँ पर भी बहुत ज़रूरत पड़नी है मेंसुरेशन की। तो आप मेंसुरेशन निश्चित रूप से उसके जो फार्मूले हैं वो आपको याद होने चाहिए। उसी क्रम में है घन का आयतन, घन का आयतन होता है भुजा की घात 3 और अगर इसका डिफरेंशियल किया जाए डेल्टा वी अपान डेल्टा एक्स, इसी को डी वी अपान डी एक्स कह दिया जाता है, तो 3x² हो जाएगा। यानी डेल्टा वी क्या आएगा, 3x² इंटू डेल्टा एक्स। तो 3x की वैल्यू 5 हो जाएगी और डेल्टा एक्स का मतलब हो गया 2x/100, 5 × 25 = 75 × 150 और x का मान 5 और 100 तो 15 × 75, 2 अंक पर 0.5 लग जाएगा यानी 7.5। डेल्टा v का मान आ जाएगा 7.5, चूंकि आयतन है इसलिए आप इसका मात्रक घन मीटर लिख सकते हैं। एक ये थोड़ा सा अलग तरीके का प्रश्न था, यहाँ भी हमको सन्निकट मान ज्ञात करना था लेकिन यहाँ आयतन में परिवर्तन निकालना था, सन्निकट परिवर्तन निकालना था, वहाँ हम सन्निकट मान ज्ञात करते हैं। तो इस तरीके से इस प्रश्न को हम कर सकते हैं। तो ये बात हुई सन्निकट मान की। आपका जो 6.4 एक्सरसाइज है एनसीईआरटी की वो इसी पर आधारित है, उसको आप कंप्लीट करेंगे। इसी क्रम में अगला जो टॉपिक है मैक्सिमा मिनिमा, उच्चिष्ट और निम्निष्ट बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। एक प्रश्न परीक्षा में आपके यहाँ निश्चित रूप से आना है, प्रायः 5 नंबर में आता है, कभी कभी 8 नंबर में भी पूछ लिया जाता है। तो अगर हम मैक्सिमा मिनिमा की बात करें तो मैक्सिमा मिनिमा यानी उच्चिष्ट और निम्निष्ट क्या है। उच्चिष्ट और निम्निष्ट का मतलब हुआ उच्चतम मान और निम्नतम मान। कोई फलन, अगर कोई चर x के रूप में कोई फलन fx है तो fx का मान बढ़े तो उसको हम बढ़ने वाला यानी इंक्रीजिंग फंक्शन कहते हैं और जब घटता है तो उसको हम डिक्रीजिंग फंक्शन कहते हैं और इसकी चर्चा हम इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन के रूप में कर चुके हैं। यहाँ पर हमको उसी तरीके से मैक्सिमा और मिनिमा की बात करनी है, यानी कब अधिकतम होता है और कब न्यूनतम होता है। तो जो एक बहुत आवश्यक शर्त है कि अगर कोई फलन है तो उस फलन के लिए x बराबर a पर dy/dx का मान निश्चित रूप से 0 होगा अगर उस फंक्शन की कोई मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू है। मतलब क्या है कि अगर कोई फलन हमारे पास fx है तो fx के लिए x बराबर a पर f'x
या इसको y कह दीजिए, dy by dx बराबर 0। कब dy by dx बराबर 0? फलन के fx y बराबर fx के उच्चिष्ट या निम्निष्ट मान के लिए। उच्चिष्ट या निम्निष्ट मान के लिए अगर हम बात करें तो x बराबर a पर dy by dx का मान 0 होगा। ये बात एक आवश्यक शर्त है, dy by dx अगर 0 नहीं है तो ऐसी स्थिति में फलन का महत्तम या निम्नतम मान नहीं हो सकता है। यानी कहीं भी अगर हमको फलन के उच्चतम या निम्नतम बात करनी है तो सबसे जो पहली शर्त होगी, अनिवार्य शर्त होगी, वो नेसेसरी कंडीशन ये है कि x के उस मान के लिए dy by dx का मान 0 होना चाहिए। और इसके बाद जो एक दूसरी शर्त आती है कि यदि x बराबर a पर इसका सेकंड डिफरेंशियल लिया जाए, d2y/dx2, हमने आपको सेकंड डिफरेंशिएशन करना बताया है, अगर इसका मान ऋणात्मक मिल जाता है, नेगेटिव, तो x बराबर a पर y मैक्सिमम होगा यानी उच्चिष्ट होगा। पहले का मतलब यह हुआ कि x बराबर a पर अगर सेकंड डिफरेंशिएशन की वैल्यू नेगेटिव आती है तो फंक्शन मैक्सिमम होगा। और यहीं पर दूसरी बात आ जाती है कि यदि x बराबर a पर जो हमारा सेकंड डिफरेंशिएशन है वो पॉजिटिव आ जाता है तो x बराबर a पर y निम्निष्ट होगा। अब कुछ प्रश्नों में निम्निष्ट और उच्चिष्ट मान भी याद करने होते हैं। तो पहले तो हम सबसे पहले ये दिखाएंगे कि क्या dy by dx 0 है। 0 है, x की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। अगर x की वैल्यू दी है तब भी हमको ये करना पड़ेगा। दूसरी बात क्या दिखाएंगे, सेकंड डिफरेंशियल निकालेंगे। और अगर सेकंड डिफरेंशियल का मान x बराबर a रखने पर निगेटिव आ जाता है तो y मैक्सिमम हो जाएगा, और अगर पॉजिटिव आता है तो y मिनिमम हो जाएगा। अब हमको जो तीसरी बात है कि अगर फलन का उच्चिष्ट या निम्निष्ट मान निकालना है तो जो ये x का मान आया है इसको हम उठा के यहाँ पर पुट कर देंगे, तो x की वैल्यू जब यहाँ पुट करेंगे तो जो y का मान मिलेगा वो या तो उच्चिष्ट होगा या निम्निष्ट होगा। इसके अकॉर्डिंग अगर निगेटिव आया है तो वो उच्चिष्ट मान मिलेगा, और अगर पॉजिटिव आया है तो वो निम्निष्ट मान मिलेगा। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। यहाँ पर एक बात और आती है कि कभी कभी क्या होता है, जो सेकंड डिफरेंशियल का मान है ना पॉजिटिव आता है ना निगेटिव आता है, यानी इक्वल टू 0 आ जाता है। सेकंड डिफरेंशिएशन अगर 0 आ जाता है तो फिर हम थर्ड डिफरेंशियल की बात करें। अगर d2y/dx2 निगेटिव आता है तो y उच्चिष्ट हो जाता है, पॉजिटिव आता है तो निम्निष्ट हो जाता है, और अगर 0 आ जाता है तो यहाँ पर यह ज्ञात नहीं किया जा सकता है कि उच्चिष्ट है कि निम्निष्ट है। इसके लिए हमको थर्ड डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। और जब हम थर्ड डिफरेंशिएशन करेंगे और अगर d3y/dx3 0 नहीं आता है तो फलन ना तो उच्चिष्ट होगा और ना निम्निष्ट होगा। अर्थात अगर थर्ड डिफरेंशियल का मान x बराबर a पर 0 नहीं आता है लेकिन सेकंड डिफरेंशियल का मान 0 आता है तो फलन ना तो उच्चिष्ट होगा ना निम्निष्ट होगा। और अगर थर्ड भी 0 आ जाता है तो फिर हम चौथा निकालेंगे, और इस प्रकार से हम आगे डिफरेंशिएशन करके हम ज्ञात कर सकते हैं। हालांकि आपके सिलेबस में बस इतना ही है, लेकिन आपको ये जानना चाहिए कि अगर सेकंड 0 आ जाए तब क्या करेंगे, तो हम थर्ड निकालेंगे और ये दिखाएंगे कि थर्ड 0 नहीं है इसलिए फलन ना तो उच्चिष्ट होगा और ना निम्निष्ट होगा। बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है, एक प्रश्न इस पर निश्चित रूप से परीक्षा में आपके बनता है और हम इसका प्रयोग करके क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। आपके एनसीईआरटी के जो पाठ्यक्रम है उसमें कुछ क्वेश्चंस उच्चतम बिंदु और निम्नतम बिंदु निकालने के लिए सिंगल डिफरेंशिएशन से भी ज्ञात किए गए हैं, तो उनका भी प्रयोग किया जा सकता है, क्योंकि
कभी कभी कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं कि जहाँ पर उनको आसानी से हम कर सकते हैं, इसलिए वहाँ पर उसका प्रयोग किया गया है स्थानीय उच्चतम और स्थानीय निम्नतम मान ज्ञात करने के लिए। तो वहाँ क्या करते हैं, हम मान ज्ञात कर लेते हैं और उसी प्रकार से हम मान देख लेते हैं कि कब अधिकतम आ रहा है और कब न्यूनतम आ रहा है, और उसके हिसाब से फिर हम वैल्यू पुट कर देते हैं। एक प्रश्न ये है, महत्वपूर्ण प्रश्न है और सरल है, इसलिए हम इसकी चर्चा शुरू में कर रहे हैं। एक अंतराल दिया है 0 से 9 में फलन x³ - 18x² + 96x के उच्चिष्ट तथा निम्निष्ट मान यानी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू क्रमशः 160 और 128 है, यानी 160 और 128 है। महत्तम मान 160 है और न्यूनतम मान 128 है। तो इसकी चर्चा करने के लिए हमने आपको बताया है कि सबसे पहले तो जो फलन दिया है उसको हम नोट करेंगे और हम वहां देखेंगे कि dy by dx का मान 0 कब आ रहा है। तो सबसे पहले इसका डिफरेंशियल करेंगे, x³ 3x² हो जाएगा -36x + 96, ये इसका डिफरेंशिएशन हो गया। और अब हम यहां y के मैक्सिमम या मिनिमम मान के लिए क्या होगा, जो आवश्यक शर्त है वो है dy/dx = 0। तो जब dy/dx = 0 करेंगे तो 3x² 36x और 96 = 0। 3 से भाग कर सकते हैं, 12x और यहाँ 32 और 8 + 4 = 32, यानी इसका जो डिफरेंस फैक्टर होगा x-8 और x-4, और इसको सॉल्व करेंगे तो x-8 = 8 और x-4 = 2। दो मान हमको 4 और 8 मिलते हैं और ये दोनों मान इस अंतराल में हैं। अगर यहाँ एक मान हमको इनके बीच का ना मिलता, कोई दूसरा मिलता, मान लीजिए x = 11 आया होता, तो अगर 11 आता तो इस अंतराल में ना होता तो केवल हम 4 के लिए मान निकालते, लेकिन यहाँ पर चूंकि दोनों मान इस अंतराल में हैं इसलिए हमको दोनों मानों पर निकालना पड़ेगा। अगर 3 आ रहे हैं तो तीनों मानों के लिए हमको सेकंड डिफरेंशियल की वैल्यू फाइंड करनी होगी। तो d2y/dx² क्या होगा, 3x² = 6x और -36x का डिफरेंशियल 1 होता है। अब हम क्या करेंगे, x = 4 पर d2y/dx² क्या होगा, 6 × 4 - 36 = 24 - 36 यानी माइनस आ जाएगा। हमको कितना आएगा इससे मतलब नहीं है, इससे मतलब है कि निगेटिव आ रहा है कि पॉजिटिव आ रहा है। तो निगेटिव आया इसलिए x = 4 पर y मैक्सिमम होगा। सेकंड डिफरेंशियल का मान धनात्मक आएगा तो न्यूनतम हो जाएगा और ऋणात्मक आएगा तो महत्तम यानी उच्चिष्ट हो जाएगा। और y मैक्सिमम क्या होगा, y मैक्सिमम होगा यहां मान रख दीजिए 4³ = 18 × 4² = 96, तो ये 64 और ये 288 और ये 96, तो हो जाएगा 96 400 और 160 और -288। तो ये आपका जो मान होगा उच्चिष्ट मान, ये हम 4 × 16 = 64 हो जाएगा। तो 64 - 288 + 384, तो 288 और ये हो जाएगा 388 यानी 160 बचेगा। तो महत्तम मान हमारे पास और यहाँ आ भी रहा है, तो महत्तम मान 160 है। अब हम x = 8 पर अगर निकालते हैं, जो दूसरा मान हमारा x = 8 है उस पर निकालते हैं तो क्या आएगा, 6 × 8 - 36 = 48 - 36 = 12 और 12 का मतलब हुआ पॉजिटिव। हमको केवल ये देखना है कि पॉजिटिव आ रहा है कि निगेटिव आ रहा है, इससे कोई मतलब नहीं है कि कितना आ रहा है।
तो ये 12 है, पॉजिटिव आ रहा है, इसलिए x बराबर 8 पर y क्या होगा, मिनिमम होगा। अब मिनिमम वैल्यू हमको फाइंड करनी है, तो y मिनिमम कैसे मिलेगा, y मिनिमम यहां मान रख देंगे 8 क्यूब 18 गुणे 8 स्क्वायर और 96 गुणे 8, और इसको आप सरल कर लेंगे, 8 कॉमन ले सकते हैं, बाकी 64 बचेगा, 18 144 हो गया और 96, तो 8 ये हो जाएगा 160 माइनस 144, 8 गुणे 16, 16 अट्ठे 128, तो जो मिनिमम मान है यानी न्यूनतम मान 128 हो गया और अधिकतम मान 160 हो गया। आपकी 6.5 एक्सरसाइज इसी पर आधारित है। हम लोग मैक्सिमा मिनिमा की चर्चा कर रहे थे, इसी के साथ आपका ये चैप्टर खत्म होता है। कुछ और महत्वपूर्ण प्रश्न इसके हम अगले लेक्चर में चर्चा करेंगे, अभी इसमें बहुत कुछ पढ़ना है, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न पढ़ने हैं, तो कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला हम अगले लेक्चर में प्रस्तुत करेंगे। आप हमारे लेक्चर पर बने रहें, वीडियो को पूरा देखें। अगर आपने हमारे चैनल स्टडी क्लासेस बाय अजय मेहरुत्रा को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे इस पर आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें और आप इनका बेहतर लाभ ले पाएं। टेलीग्राम पर भी आप हमसे जुड़ सकते हैं, और टेलीग्राम के लिए जो हमारा लिंक है वो यहां हम लिखे दे रहे हैं, इस लिंक पर आप हमको फॉलो कर सकते हैं और इससे जुड़कर आप वीडियोस के लाभ ले सकते हैं। वीडियो को अधिक से अधिक लाइक और शेयर करें ताकि अधिक से अधिक लोगों तक ये पहुंचे। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि इस पर आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। धन्यवाद।